सरहद केवल एक लकीर नहीं है, ये हद बताती है हमें हमारी वीरता की। सरहद केवल दुश्मन पर बंदिश नहीं, ये हमारी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की रेखा है। सरहद जिसके एक एक इंच को खून से सींचते हैं हमारे शूरवीर। सरहद की कंटीली तारे दुश्मन की नापाक निगाहें और उन सब का सामना करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये महिला जवान। महिला दिवस पर आज देश की सरहद से देश की महिला जवानों का आश्वासन वाला पैगाम आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीके टाइम्स की खास पेशकश। बीएसएफ महिला ब्रिगेड से खास मुलाकात। महिला शक्ति को सलाम करने का दिन। नारी शक्ति जिंदाबाद। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। चुनौती संघर्ष और समर्पण की जीती जागती मिसाल। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है बस चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा। कैफी साहब द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए प्रासंगिक लगती है। और आज हमारी टीम द पीके टाइम्स की टीम जो है वो पहुंची है बाड़मेर जिले के बॉर्डर पर, जहां पर ऐसी ही महिलाएं हैं जिनमें जोश है, जुनून है और जज्बा है। और जज्बा ऐसा कि चाहे दिन हो या रात, चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़कती सी ठंड, हर दौर में वो अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाती है। और आज हमारे साथ बॉर्डर की ऐसी ही पाँच महिलाएँ हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। चलिए अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाती है और देश की सुरक्षा करती है। जी बताइए कि किस तरीके से आप बॉर्डर पर अपनी जो ड्यूटी निभाती है और किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। नमस्ते सभी को, मैं 2008 से बीएसएफ में हूँ और मैंने पंजाब में अलग अलग जगह पर ड्यूटी की है। और अभी इस बार मैं राजस्थान के बाड़मेर इलाके में मेरी पोस्टिंग हो रखी है और जहाँ पर ड्यूटी मैं कर रही हूँ। जी, तो किन किन मुश्किलों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ता है? जैसे मैडम मौसम का होता है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है ड्यूटी में। तो चलिए इन सभी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। जी मेरा नाम लक्ष्मी है। जी क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 25। 25 जी। देखिए 25 इनकी उम्र ये बता रही है और एक ये ऐसा उम्र का दौर होता है जब हम युवा तय भी नहीं कर पाते हैं कि इस उम्र में हमें किस फील्ड में जाना है, लेकिन ये आज देश की सुरक्षा कर रही है इतनी कम उम्र में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, आपको कैसा लगता है ये? प्राउड फील होता है काफ़ी, क्योंकि जिस जगह से उठकर यहाँ आए हैं देश की सेवा के लिए, तो कभी सोचा नहीं था इधर आना होगा फिर देश की सेवा करनी, काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए ये। तो कहाँ से हैं आप? जी मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, तो चूंकि गुजरात और राजस्थान के परिवेश में क्लाइमेट में बहुत बदलाव है, तो उसे आप किस नज़रे से देखती हैं? जी प्रॉब्लम तो बहुत होती है यहाँ पे, जैसे कि रात का यहाँ का टेम्परेचर जैसे अभी फ़िलहाल में तो 17-15 पे चला जाता है, फिर दोपहर होते ही फिर यहाँ पे अचानक से मतलब टेम्परेचर अचानक से ही हाई जाता है, जैसे 42-43 पे जाता है, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन देश प्रेम है हो जाता है सारा। बिल्कुल, और बाकी आपका ये जज्बा आपकी बातों में नज़र भी आ रहा है। तो चलिए अब इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी उम्र क्या है? जय हिंद, मेरी उम्र 23 साल है। और आप किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर पर अपनी ओर से ड्यूटी निभाती है और देश की सुरक्षा करती है? ये हमारा फर्ज है हमारी ड्यूटी करने का, हमें अच्छा मौका मिला कि हम यहाँ बॉर्डर पे तैनात है, 2400 घंटे की ड्यूटी दे फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बहुत बड़ा है, गर्व है हमें कि हमें बॉर्डर पे ड्यूटी करने का मौका मिला है। और शेड्यूल क्या रहता है पूरे दिन? पूरे दिन सुबह की ड्यूटी होती है ओपी, फिर दोपहर के बाद वर्किंग का टाइम थोड़ा कुछ, फिर शाम का होता है ड्यूटी। अच्छा,
और कहते भी हमारे वेदों में भी ये बात कही गई है कि शक्ति रूपेण संसित, तो कहीं ना कहीं इन नारियों में वो शक्ति नज़र भी आती है। और महिला दिवस के मौके पर आज इन्हीं महिलाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर अपना तन मन और धन पूरे देश के लिए समर्पित कर देती है। जी, आपकी उम्र क्या होगी? 25 ही है जी। और किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है, सुरक्षा के लिए जी जान जो है लगा देती है? हम मॉर्निंग में ओपी टाइम ड्यूटी पे आते हैं और शाम के टाइम वर्किंग होता है और शाम को कैम्प गार्ड लगती है जी। तो कभी ऐसे किसी हमले की आप गवाह बनी हैं यहाँ पर? कोई ऐसा अनुभव आपका रहा हो अब तक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है? जैन, मेरा नाम माया सोलंकी। और आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाती है? हम पूरी ईमानदारी से हमारी ड्यूटी करते हैं, सुबह ओपी आते हैं, फिर शाम को कैंप गार्ड करते हैं 3 घंटे। तो चूंकि हमने यहाँ पर इन महिलाओं से जाना कि किस तरीके से ये इतनी कम उम्र होने के बावजूद यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाती है और जोश ऐसा है कि हर वक्त देश के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं हूँ आरती शर्मा, द पिकेट टाइम्स।